नारायण मंदिर फेज वन में शारदीय नवरात्रि के चलते नौवें दिन पंडित बनवारी प्रसाद शास्त्री की प्रधानगी में 11 पंडितों ने शुभ चंडी हवन यज्ञ कर आहुतियां डलवाई और नवरात्रि के दिनों की संपूर्णता की। इस मौके पर अमित कत्याल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर मुख्य यजमान की भूमिका निभाई। इस मौके पर पंडित बनवारी प्रसाद शास्त्री ने कहा कि इन दिनों में माता रानी की गई पूजा से इंसान की जिंदगी संवर जाती है, तो वहीं उन्होंने लोगों को हमेशा सच्चाई और एकता के मार्ग पर चलने की अपील भी की। जालंधर से हलचल के लिए स्वदेश भगत की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में 11 ब्राह्मणों के द्वारा सतचंडी महायज्ञ जो प्रथम नवरात्र से प्रारंभ हुआ था और आज नवमी के दिन इस यज्ञ का हवन हुआ और इस पाठ के हवन यज्ञ में सभी ब्राह्मणों ने आहुतियाँ डाली। इसके मुख्य यजमान श्री अमित कत्याल जी साके ओवरसीज वाले और कत्याल फाउंडेशन के नाम से भी अपनी संस्था चलाते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों के लिए जो है कार्य किया जाता है, सामाजिक कार्य किए जाते हैं। वो मुख्य यजमान के तौर पे इसमें उन्होंने अपना योगदान दिया और इसमें हमारे साथ में उत्तराखंड से आए हुए प्रकांड विद्वान जन जिन्होंने अपने सहयोग से इस चंडी पाठ को अष्टोत्तर चंडी पाठ को संपन्न कराया, तो मैं सभी ब्राह्मणों का भी आभारी हूँ और सभी जो सत्यनारायण मंदिर में आने वाले भक्तगण हैं जिन्होंने इस यज्ञ में प्रतिदिन भाग लिया, उन सभी का आभारी हूँ।